वेलकम बैक टू माय चैनल सारूज एम्पायर एंड आई होप यू ऑल गाइस आर डूइंग वेल। तो आज का मेरा वीडियो किस रिगार्डिंग होने वाला है ऑलरेडी आप लोगों को टाइटल देख के समझ में आ गया होगा। तो आज की इस वीडियो में बहुत ही अमेजिंग चीज आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ जो रिसेंटली मैंने अभी चेकआउट की है अमेजन से, और जो ब्रांड है वो है यहाँ पे हॉज एंड किंडर। आप देख सकते हैं, तो ये स्वेडल मैंने लिए हैं हॉज एंड किंडर के, जो अमेजन से लिए हैं, और ये बहुत ही अच्छी क्वालिटी की है। अगर आपके घर में भी छोटा बेबी है या न्यू बॉर्न बेबी है तो ये बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होने वाली चीज़ है जो मैंने ली अपने बेबी के लिए। एंड जो हॉज एंड किंडर के जो स्वेडल आते हैं उसमें आपको पैक ऑफ टू, पैक ऑफ थ्री, सिंगल, कस्टमाइज सब तरह के मिल जाएंगे, लेकिन मैंने यहाँ पर जो लिया वो पैक ऑफ थ्री लिया है। और आप देख सकते हैं कि इनके जो प्रिंट्स है वो भी बहुत अच्छे हैं। मैं ओपन करके दिखाऊंगी आपको कि किस तरह के प्रिंट मुझे मिले हैं। तो बहुत ही ज़्यादा सोभर कलर वहाँ पे मिलेंगे, प्रिंट्स आपको मिलेंगे, और इनका जो फैब्रिक है वो भी बहुत अच्छा है। इस सारी जो डिटेल है इनकी स्वेडल की मैं बताने वाली हूँ वीडियो में। तो इस तरह की जो पैकेजिंग में मुझे स्वेडल आए हैं जो कि बहुत ही अमेजिंग तरीके से पैक किया हुआ, आप देख सकते हैं बहुत ही सेफली। और उसके अलावा आप देख सकते हैं कि पीछे यहाँ पे दिया हुआ है कि इस तरह के कलर और प्रिंट आपको मिल जाएंगे, मतलब जिस तरह के कलर प्रिंट आपको चाहिए बहुत सारे ऑप्शंस वहाँ पे आपको मिल जाएंगे। तो यहाँ पे जो मुझे जो कलर मिले वो वाइट कलर मुझे मिला, वाइट पे जो प्रिंट्स हैं वो बहुत ही क्यूट बहुत सोबर और बहुत ही सूदिंग वाले प्रिंट मुझे मिले हैं, मतलब इनके कलर भी बहुत अच्छे हैं। और न्यू बॉर्न बेबी होता है तो हम प्रीफर करते हैं कि हम लाइट कलर ही यूज़ करें। तो जो स्वेडल मुझे मिले हैं वो मुझे यहाँ पे पैक ऑफ थ्री है, और तीनों के प्रिंट बहुत ही ज़्यादा प्यारे हैं। और इसके बैक साइड में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको बहुत सारे कलर प्रिंट आपको दिखा रखे हैं। तो आप जैसे ही आप अमेजन पे जाएंगे तो वहाँ पे आपको हॉज एंड किंडर के नाम से जितने भी स्वेडल होंगे बहुत सारे कलर प्रिंट आपको मिल जाएंगे। और यहाँ पे अगर मैं MRP की बात करूँ तो इसका 1599 इसका MRP है, जो कि मैंने 50% पे चेकआउट किया है। तो गाइज यहाँ पे मैं इसको ओपन कर रही हूँ, ओपन करने के बाद मैं देखूंगी कि मैंने यहाँ पे जो पैक ऑफ थ्री लिए हैं उनमें से कौन कौन से कलर्स मेरे पास है और इनका जो लंबाई चौड़ाई है वो कितना है। ठीक है, तो सबसे पहले मेरे पास ये वाला प्रिंट आया है और ये भी बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा है। मैंने अभी इसको मतलब ओपन भी नहीं किया है, मैं आप ही लोगों के सामने इसको ओपन कर रही हूँ, और ये मैंने ओपन कर लिया है, आप देख रहे हैं। और ये वाला प्रिंट भी काफ़ी अच्छा है, कलरफुल है, और वाइट पे ही बहुत अच्छा ये प्रिंट हो रखा है, बहुत सोबर और बहुत सूदिंग मुझे लग रहा है। और लंबाई चौड़ाई की मैं बात करूँ तो बहुत अच्छी खासी इसकी लंबाई चौड़ाई है, मतलब न्यू बॉर्न बेबी के अलावा अगर आप अपने आपका बेबी अगर थोड़ा सा बड़ा है तो भी यूज़ कर सकते हैं। आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छी लंबाई चौड़ाई है। और ये जो है इसकी जो खास बात है जो मैं बताना चाहूँगी वो है कि ये वन साइडेड यूज़ कर सकते हैं। अगर आप किसी और ब्रांड के देखते हैं लाइक मीमी के, क्योंकि इससे पहले मैंने मीमी के भी यूज़ किए और वो भी बहुत सारी ब्रांड्स के स्वेटर मैंने यूज़ किए हुए हैं, तो बहुत सारी ब्रांड्स ना बोथ साइडेड यूज़ करने वाला भी देती है, तो ये वन साइडेड है। अगर आप वन साइडेड प्रीफर करते हैं तो आप जा सकते हैं, और वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो वन साइडेड है ये, मैं ये इसकी जो खास बात है वो बता रही हूँ। बाकी लंबाई चौड़ाई इसकी बहुत अच्छी है, और इसकी जो ये जो कपड़ा इतना ज़्यादा सुपर सॉफ्ट है, बहुत अमेजिंग है, और बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है। तो क्वालिटी की बात करूँगी तो एकदम A1 क्वालिटी है इसकी, और लंबाई चौड़ाई काफ़ी अच्छी है, आप देख सकते हैं। मतलब न्यू बॉर्न बेबी के अलावा अगर आपका बेबी 2-3 ईयर्स का भी है ना तो भी आप अच्छे से उसको रैप कर सकते हैं। तो एक तो मेरे पास ये वाला प्रिंट है, ठीक है, सेकेंड जो प्रिंट है मेरे पास वो ये वाला है, ये वाला प्रिंट, ये भी बहुत ज़्यादा प्यारा है, एकदम रेनबो प्रिंट है ये, और बहुत ही क्यूट प्रिंट ये लग रहा है, और काफ़ी अच्छा ही अच्छा लंबाई चौड़ाई है सबकी, आप देख सकते हैं, और क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है। ठीक है, तो दूसरा स्वेडल ये है मेरे पास, और तीसरा जो स्वेडल है वो डॉट प्रिंट में है और बहुत ही सोबर है, मतलब तीनों कलर मुझे बहुत अच्छे लगे हैं, तीनों के प्रिंट बहुत प्यारे लगे, बहुत ही क्यूट से आप देख सकते हैं ये, मतलब सबसे ज़्यादा क्यूट लग रहा है मुझे ये जो डॉट प्रिंट है ना, डॉट में वो कलरफुल। तो बेबीज़ पे ऐसी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा मतलब सूदिंग वाली लगती है, क्योंकि हम डार्क कलर प्रीफर नहीं करते हैं छोटे बेबीज़ को, हम ऐसे लाइट कलर ही यूज़ करते हैं, और काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल है और बहुत यूज़फुल चीज़ है। हे गाइस, तो ये था आज का मेरा वीडियो जिसमें मैंने फुल डिटेल शेयर की है हॉज एंड किंडर के स्वेडल्स की। अगर आप भी कोई भी स्वेडल देख रहे हैं तो इनका आप कलेक्शन चेक कर सकते हैं, और जो इसका जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। और वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, और आप कॉमेंट सेक्शन में इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरी क्वेश्चन मुझसे पूछ सकते हैं। उसके अलावा इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी मुझे फॉलो करके वहाँ पर सजेशन दे सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे।
और उसके अलावा अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब करें और बेल बटन भी प्रेस करें ताकि मेरी कोई भी वीडियो आप लोगों से मिस ना हो। मेरे चैनल पर जाकर के और भी जो भी वीडियोज वहाँ पे उनको भी आप चेक कर सकते हैं। तो अभी तक के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।